जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बुधवार को सर्किट हाउस के सभागार में जन जागरूकता वीडियो फिल्म के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने फिल्म का लोकार्पण किया, जिसके संबंध में प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने बताया कि जनपद गोरखपुर आपदा क्षेत्र है तथा यहाँ पर मुख्य रूप से बाढ़ आता रहता है। जनपद में बहने वाली नदियां राप्ती, सरयू, घाघरा, रोहिणी, कुआनो, आमी यहां की संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और विशेष रूप से बच्चे नदी में नहाने या पार करने में डूब जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि घरेलू संसाधन जिनके प्रयोग से जीवन रक्षक उपकरण तैयार किए जा सकते हैं, जिसके बचाव के लिए छोटी लघु फिल्म तैयार करके प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म गतिविधियों पर आधारित है, इसको बेहतर रूप से तैयार किया गया जिसे आम आदमी भी आसानी से समझ सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए घरों में उपलब्ध संसाधन का प्रयोग करते हुए जीवन रक्षक उपकरण का निर्माण किया जा सकता है। इस लघु फिल्म को व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा विभिन्न स्थलों पर स्थापित LED वॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर एडियम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता, NDRF, SDRF के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र प्रताप शाही ने कहा। नमस्कार सर, मैं राजेश कुमार सिंह की हूँ। प्रणाम सर, गौतम गुप्ता सर। सर एक्चुअली पर्टिकुलरली सर ये जो हम लोग एक जैसा कि आपका पूर्व दिशा निर्देश लोगों को मिले थे कि जागरूकता ही आपको अधिक से अधिक फैलानी है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने आप को सुरक्षित रखें सकते। उसी क्रम में सर अभी हम लोग ने NDRF और SDRF के साथ एक रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग एक छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में सर डेवलप करें और वो फिल्मों में डायलॉग्स ना हो करके केवल एक मतलब इशारे से और उसको एक तरीके से हम लोग मतलब एक्शन ओरिएंटेड रख के भी एक अनुबंध हुआ और एक MOU कल भी साइन हुआ है। पूरे प्रदेश में अभी तक 3 विश्वविद्यालयों के साथ हुआ, इनमें 2 तो केवल गोरखपुर के हैं। गोरखपुर में NDRF है और जब मैं आया करीब 2 साल पहले तब से मैं देख रहा हूँ कि आसपास के जितने भी जनपद हैं सर सबको NDRF बड़ा अच्छा। अभी कुशीनगर की एक घटना थी, मैं उस पर समय नहीं लूँगा लेकिन सर की जानकारी में होगा कि शाम को हम लोगों को मैसेज आया कि लगभग 100-150 लोग नदी के अंदर फंसे हुए हैं और ये लोग गए और पूरा वीडियो तो मेरे पास है सर, मैंने और जगह शेयर भी किया है। छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी निकाल करके लिया है। SDRF हमारी है, अभी हम लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है कि जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो पहले SDRF को ही कॉल करते हैं, SDRF अपना प्रयास करती है। इसलिए कि SDRF के पास हमारे पास यहाँ संख्या बल भी ज़्यादा है और इक्विपमेंट भी इनके पास अभी पूरे हैं। NDRF नेशनल लेवल की एजेंसी है और इनके पास और भी दायित्व होते हैं। तो NDRF को यूनिसेफ का बड़ा अच्छा सपोर्ट रहता है हमें सर इस डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा सर कि हम लोग अभी और क्या करें जिससे गोरखपुर में पर्टिकुलरली अच्छा कर पाएँ, कोई भी जनहानि ना हो और किसी भी प्रकार की हानि ना हो और अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। जैसा कि मेरे ख्याल से गोरखपुर एक अग्रणी जिला है जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है और मैं बाकी जिलों में गोरखपुर का उदाहरण भी देता हूँ कि जितना काम गोरखपुर ने पिछले 2-3 साल में किया है और बाकी सब जिले भी उसी तरीके से काम करने लगे तो शायद उत्तर प्रदेश को हम 0 डेप्थ जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मतलब घटना घटी करीब 3-4 दिन पहले जिसमें करीब 40 हमारे सिटीजन्स दूर हो गए। उसका सिर्फ एक ही मेरे को एनालिसिस जो मैंने की उसमें पाया कि जहाँ जहाँ जागरूकता है वहाँ पर एक चीज़ और ही कम होना शुरू हो गई है और उसमें
लीड कर रहा है, इसके लिए मैं गोरखपुर को डी एम साहब को और बाकी जो भी संस्थान है जिनसे सबको मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा हमने शुरुआत किया है और अगर इसी तरह से हम करते रहे गोरखपुर फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अपना स्थान स्थापित करेगा कि किसी भी तरह की आपदा हो उसमें कोई हमारी हानि नहीं हो और इसकी हमको हमारी पूरी उम्मीद है। और पिछले साल जो है हम जब इसी तरह से अग्रसर है तो हम लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ तक और अनुरोध किया और हम क्या करें, मैं अनुरोध यही करूँगा कि जैसे तहसील दिवस मनाया जाता है उस दिन भी काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसके पहले कि आप उन लोगों की सुनवाई शुरू करें तो सुनवाई सुनने के बाद तो वो चले जाते हैं, तो सुनवाई शुरू करने से पहले 5 मिनट चाहे आप बात करने चाहे डी एम साहब को बात कर लें तो वो जो संबोधन होगा तो जनता को बहुत अच्छा लगेगा और सारे ऑफिसर होंगे डी एम साहब होते हैं एस पी होते हैं और इसी वजह से जब थाना दिवस होता है तो पुलिस का जो मौका है उसको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और उनको शामिल करते हुए भी उसकी जागरूकता फैलानी। दूसरा एक हमने प्रपोजल भेजा था इसी वजह से अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, अगर कोई फंड है आपके पास तो जैसे कलेक्ट्रेट में चाहे तहसील में बिल बोर्ड लगवाइए वहाँ पर जरूर काफ़ी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है उसको भी मैंने भाषण को बोला हुआ है कि माइकिंग से, क्योंकि अभी भी जब गांव के अंदर जैसे वीकली हाट लगता है तो मेडिकल देवरिया में भी यही बताया कि वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो, तो ये बात अगर अभी वहाँ पे पुलिस प्रभाषण थोड़ा जाएगा कोविड से भी थोड़ा सा लोगों को दूर दूर होना जब पुलिस की बढ़ती देखते ही लोग ठीक हो जाते हैं उससे भी बचाव हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है इनमें क्या क्या करना है, जैसे अभी देखिए स्नैक बाइट केसेस, लाइटिंग और फ्लड, ये तीनों चीज़ें जो है वो ऐसी प्रैक्टिस था उसके बारे में तो खैर काफ़ी जानकारी लोगों को हो गई है जागरूकता फैल गई है, तो उसी तरीके से वीकली हाट जहाँ पे लगे या जहाँ पे भी इकट्ठा होना, जैसे मान लीजिए कोई मंगल के दिन मंदिर में लोग उठते हैं, संडे के दिन चर्च में लोग जाते हैं, गुरुद्वारे में इसी तरह से ये इन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए जन समुदाय को ये चीज़ पहुँचाने के लिए कि ये जो भी कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं या आपसे अपेक्षित है वो आपकी भलाई के लिए, हम तो खड़े हैं आपके साथ लेकिन जब तक आप उसमें भागीदारी नहीं दिखाई आपकी शामिल नहीं हुई है तो एक अच्छा जब स्कूल तो जाते हैं तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों उनको उनके टीचर्स को इन्वॉल्व कीजिए, प्राइमरी स्कूल और जब स्कूल नगर से बड़ा स्कूल तो भी खुलने वाले हैं 17 तारीख से, उस पर टीचर्स को भी 5 मिनट जो मॉर्निंग में जब प्रेयर होती है उसमें 5 मिनट के लिए उसको संबोधित किया जाए बच्चों को, तो वो संदेश जो है परिवार वालों तक जाएगा। और आपको मैं बताऊँ आजकल के बच्चे जो है थोड़ा सा जागरूक हैं, वो इंसिस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स से कि ऐसी कार्रवाई की जाए, तो ये एक आंदोलन जैसा चलाया जन जन समुदाय को साथ ले करके उनके साथ मिल करके हम काम करें, ये न हो कि हम खाली लेक्चरबाजी करें, हम उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, बच्चों को बनाएं, टीचर्स को बनाएं, डॉक्टर्स को बनाएं और ऐसी जगह पर जहाँ पे भीड़ होती हो वहाँ माइकिंग का जरूर आए, उससे बहुत अच्छा प्रभाव होता है और लोगों को ज़्यादा अच्छा होता है। गोरखपुर शहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DDMA, NDRF, SDRF और यूनिसेफ के सौजन्य से जो वीडियो फिल्म बनी है और जिसका आज रिलीज हुआ है जो जन हानि से बचाने के लिए स्पेशली फ्लड
ये छोटी सी लघु फिल्म थी जिसमें आज एक तरीका बताया गया कि हम घर पे अपने लाइफ सेविंग जैकेट कैसे बना सकते हैं और ऐसे ऐसे और चीज़ें विकसित की जाएंगी, वो जनता के बीच में उसको बताया जाएगा जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो DDMA ने उठाया है, गोरखपुर के DDMA ने, और मैं इसे पूरा भरोसा है कि यहाँ गोरखपुर के जितने भी सिटीजन्स हैं उससे इससे लाभान्वित होंगे, और पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं अपने घर के अंदर जैसे बॉटल वगैरह आ जाती हैं उनसे अनुरोध होगा कि ये बना के रखें, चाहे फ्लड आए चाहे ना आए, एक हुनर है, एक चीज़ इसी तरह से कुछ और नई चीज़ सोच करेंगे तो हर आपदा के लिए जो भी तैयारियाँ करनी हैं आपदा आने से पहले वो एक हमारी हैबिट बन जाएगी। और वो उसमें चाहूँगा कि हमारे बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावक जो भी हैं सब लोग शामिल हों और हर आपदा से बचने के उपाय अपने आप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें, बाकी जो शासन और सरकार की तरफ से जो सहायता है या जो तैयारियां हैं वो तो पूरी रहती हैं, लेकिन यही देखा गया है कि जहाँ पे चूक होती है वो बड़ी भारी पड़ जाती है बाद में। इसलिए मैं और जनता का सहयोग चाहूँगा कि एक दूसरे को बताएं या किस क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, किस आपदा से पहले, जैसे फ्लड अभी फ्लड का सीज़न आ गया है तो उसकी, और स्पेशली जो गांव प्रभावित होते हैं, जो जगह प्रभावित होते हैं वहाँ के लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा कि कब ये वहाँ से एवोकेट करना है और कब अपने महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेके जाना है। सरकार ने इंजाम किया हुआ है, वहाँ पर शिविर बनाए हुए हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार गोरखपुर में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे किसी की जनहानि हो या किसी की पशु की कोई हानि हो जाए, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं। अब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है वो बात है कि कम्युनिटी एक दूसरे की कैसी मदद करती है और सरकारी मदद को साथ मिला करके, सहयोग करके और उसको सुदृढ़ करती है। इसी के साथ मैं वंस अगेन DDMA और NDRF, SDRF, यूनिसेफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऐसी ऐसी छोटी फिल्में बना करके लोगों को जागरूकता फैलाएं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उद्देश्य है कि हम किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए हमारा हर उत्तर प्रदेशवासी जो है सक्षम रहेगा और किसी भी वजह से हम जनहानि को हर हालत में हम रोक के रहेंगे, जागरूकता फैलाने में सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच।